सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पिनस्टेक। सो गाइस, आज के हम वीडियो में कुछ टाइप की फोटो एडिटिंग करने वाले हैं। सो गाइस, ये फोटो एडिटिंग महाकाल पे होने वाली गाइस, वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखना, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले आपको अपने पिकार्ट्स ऐप में ये बैकग्राउंड ओपन कर लेना है। बैकग्राउंड ओपन करने के बाद ऐड फोटो में आना है। ऐड फोटो में आने के बाद ये वाला पीएनजी लेके आना है। इसको हम साइड से फ्लिप कर लेंगे। फ्लिप करने के बाद इसका ब्लेंडिंग मोड हम स्क्रीन कर लेंगे। इसको स्क्रीन करने के बाद बड़ा ऊपर करके ऊपर लगा देंगे। ऊपर साइज से सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद ऐड फोटो में आएंगे, हम अपने मॉडल को लेके आएंगे। गाइस, हम मैंने बैकग्राउंड पहले से रेज कर रखा है, आप लोग कर लीजिएगा। मॉडल को लाने के बाद हम नीचे सेट कर लेते हैं इसे। इसको सेट करने के बाद ऊपर थोड़ा सही से कर लेते हैं। गाइस, अगेन हम ऐड फोटो में जाएंगे और एक त्रिशूल का पीएनजी लेके आएंगे। ये रहा, इसको गाइस हम अब ऐसे हाथों में पकड़ा देंगे अपने। इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे। इसको सही से सेट कर लेते हैं पहले अपने हाथों में। और गाइस, जो हमारा हाथों के ऊपर से जो त्रिशूल का एरिया आ रहा है, उसे हम रेज कर लेंगे जूम करके। साइज आप लोग अपने हिसाब से फिर इससे हम इरेज कर लेंगे। कैसे आपको सही से करना है, ऐसा लगे कि हम हाथों में पकड़े हुए हैं। ऊपर से डन कर लेंगे। डन करने के बाद ऐड फोटो में फिर से आएंगे, और अब हमें एक डमरू का पीएनजी लेके आएंगे जो कि हमें त्रिशूल में लगाना है। ये रहा गाइस, इसका हम कलर चेंज कर लेंगे। पहले त्रिशूल से मैच होना चाहिए। इसको एडजस्ट में जाने के बाद इसका टेम्परेचर बिल्कुल माइनस, और सेचुरेशन भी माइनस कर लेंगे बिल्कुल, और डन कर लेंगे। डन करने के बाद हम सही से सेट कर लेंगे। गाइस, जैसे मैं सेट कर रहा हूँ त्रिशूल में, आप लोग वैसे ही कर लीजिएगा। इसको सेट करने के बाद डन कर लेंगे। फिर अगेन ऐड फोटो में आएंगे। अब गाइस, हम रुद्राक्ष का पीएनजी लेके आएंगे गाइस, जो कि हमें मतलब गले में पहनना है, मतलब मॉडल के गले में पहनाना है। इसको हम सेट कर लेंगे पहले सही से। आप लोग सेट कर लीजिएगा सही से टाइम लेके। और गाइस, जो रुद्राक्ष हमारे हाथों के ऊपर से आ रहा है, उसे हम रेज कर लेंगे। एक मिनट पहले से सही से सेट कर लेते हैं, फिर रेज करेंगे। अब हम इसको ऊपर से थोड़ा ही रेज करेंगे ये, और जो हमारे हाथों पे आ रहा है उसे रेज करेंगे। गाइस, ऐसा लगे कि गले में पहने हुए है। इसको थोड़ा अब सही लग रहा है। अब डन कर लेंगे। फिर अगेन ऐड फोटो में आएंगे। ऐड फोटो में आने के बाद हमें महादेव का जो टेक्स्ट पीएनजी है, इसको लेके आएंगे। इसको कहीं से हम अपने हाथों में लगाएंगे। इसको हम पहले छोटा कर लेंगे साइज से, और हाथों में अपने सेट करेंगे। इसकी ओपेसिटी थोड़ा हम डाउन रखेंगे, थोड़ा ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। अब सही लग रहा है गाइस। उसको हम ऊपर से डन कर लेंगे। डन करने के बाद ऐड फोटो में फिर से आएंगे, और अब हम ये वाला पीएनजी लेके आएंगे गाइस। यही एक नंबर की पीएनजी है। अगर ये यूज़ नहीं किया अगर फ़ोटो में, तो मतलब फ़ोटो बेकार है। इसको हम सही से अपने मस्तक पे एडजस्ट कर लेते हैं, सेट कर लेते हैं। अब सही लग रहा है गाइस, अब लुक आ गई महाकाल वाली, अब सही लग रही। ऊपर से डन कर लेंगे। फिर अगेन ऐड फोटो में आना है। ऐड फोटो में आने के बाद ये इफेक्ट लेंस पीएनजी लेके आना है, लाइट वाला। इसको हम साइड में अपने लगाएंगे शोल्डर के। फिर ऐड फोटो में आएंगे। अब हम इस ये वाला पीएनजी लेंगे। इसको गाइस हम साइड में लगाएंगे। इसको यहाँ पर इसको थोड़ा और नीचे रख लें। अब सही लग रहा है। ऊपर से डन कर लेंगे। फिर अगेन ऐड फोटो में आएंगे गाइस। अब हम एक ब्लर पीएनजी लेके आएंगे, ब्लैक वाला। गाइस, जितने भी पीएनजी और बैकग्राउंड का यूज़ मैंने किया है, आप सबको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। गाइस, इसको हम नीचे लगा लेंगे। फिर हम एक महाकाल का पीएनजी लेके आएंगे। इसका हम ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन कर लेंगे। इसको हम नीचे लगा लेंगे गाइस। अब लुक आ रही है बिल्कुल महाकाल वाली गाइस। इसको हम ड्रॉ टूल में जाने के बाद इसको सेव कर लें। लाइट रूम में इसका हम कलर करेक्शन सब करेंगे वहीं से।